हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक बुलेटिन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के लेवल के बारे में। उसके अलावा हम लोग चार बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं और कौन से स्टॉक में आज हम लोगों को बेसिकली एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो बेसिकली अगर आप निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करते हो तो निफ्टी को आप देख सकते हो, कल यहाँ पे ये ओपन हुआ था और ये रेजिस्टेंस पॉइंट को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी जो कि है आपका 16,685 का। ठीक है, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया था और ये डाउन ये नीचे आ गया था। उसके बाद वहाँ से इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया जो कि है 16,580 का। उसके बाद वहाँ से एक अपमूव दिया इसने, ठीक है, बट फिर आप देखोगे तो उसी लेवल पे जाकर वहाँ से रिजेक्शन लिया और ये नीचे को आया है। तो आज हम लोगों को जो निफ्टी ट्रेड करते हैं आज उनको क्या देखना चाहिए बेसिकली निफ्टी में, आज उनको ये रेंज ये जो है 16,680 का और नीचे में 16,580 का, ये रेंज को ब्रेक करने देना चाहिए। आइदर साइड ये ब्रेक करे, अगर आप डाउन साइड में ब्रेक करें तो आप शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो, अप साइड में ब्रेक करें तो आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो गाइस। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर आप देखो एस जी एस निफ्टी का क्या हाल है, एस जी एस निफ्टी क्या हम लोगों को सिग्नल दे रहा है, तो आप देख सकते हो ये अराउंड सिग्नल दे रहा है हम लोगों को -11 पॉइंट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फ्लैट ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप आते हैं हम लोग गाइज न्यूज़ के बारे में कि कौन सी न्यूज़ जो मैं बोलने वाला था बेसिकली कि क्या न्यूज़ हम लोगों को देखना चाहिए। तो न्यूज़ के पहले गाइज मैं बताना चाहूँगा आपको जो कल का जो डेटा था FII और DII का डेटा, उसमें आप देखोगे तो FII जो है वो नेट सेल की है 844.78 करोड़। ठीक है, और जो हमारे DII हैं उन लोग ने भी सेलिंग की है, उन लोग ने जो सेलिंग की है वो है 72 करोड़। ठीक है, और अगर उसके अलावा आप देखोगे यूके का जो ये एक बड़ी न्यूज़ है गाइस, यूके का जो फैक्ट्री आउटपुट है ठीक है ना, वो स्लो आया है बेसिकली। उसमें जो गेन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है लास्ट 3 मंथ में, ठीक है, 2 जुलाई। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेसिक बेसिक चैलेंज लोग फेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स आते थे वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से वहाँ पे बहुत बेसिकली स्ट्रिक्ट नहीं लिया जा रहा और आराम से हो पा रहा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो सर्वे किया गया था ब्रिटिश इंडस्ट्री सर्वे में ये पाया गया है। उसके अलावा आप गाइस देखोगे तो सर्जिंग इन्फ्लेशन हैज ड्राइवन कंज्यूमर सेंटीमेंट टू इट्स लोएस्ट सिंस रिकॉर्ड बिगन। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखोगे 1970s में ऐसा हुआ था, उसके बाद से अभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटी भी जो है पहले स्लो था, अब स्लो से और भी खराब होते जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे मंडे को CBI इंडस्ट्रियल पेन सर्वे जो हुआ है आउटपुट जो है उसका बैलेंस जो था वो ड्रॉप हो गया है +6 पे। ठीक है, और जुलाई अप्रैल में ये था +19 पे। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2021 के अप्रैल में जो था ये +2 था। तो आप 2021 से कंपेयर करोगे तो अच्छा है, बट ओवरऑल ये नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है गाइस। ठीक है, अब हम लोग दूसरे न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो न्यूज़ है गाइस, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जापान का जो GDP का फोकास था, ठीक है, उनका ग्रोथ का जो फोकास था उन लोगों ने 2% कर दिया है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है डिमांड में उतना ज़्यादा अपमूव नहीं है, डिमांड जो है कम हो रहा है। डिमांड कम क्यों हो रहा है बेसिकली हम लोग देख सकते हैं रशिया का जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके लिए, उसके अलावा चाइना में एक अच्छा खासा लॉकडाउन चल रहा है गाइस। ठीक है, उसकी वजह से भी ठीक है आप देख सकते हो अभी जो जैसे कि हम लोग जानते हैं जापान जो है वो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, वो अपना जो ये है GDP ग्रोथ का जो परसेंटेज को एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है वो 2% लेकर चल रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन हो सकता है अभी। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो आज जो रिजल्ट आने वाले गाइस, जो बड़ी कंपनी आज बहुत सारे रिजल्ट आने वाले, जो मेन कंपनी फोकस में रहनी चाहिए हमारे वो है L&T, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, टाटा पावर कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सनोफी इंडिया, शॉपर्स स्टॉप, KI इंडस्ट्री, महिंद्रा EPC, इरिगेशन, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, एंड TK हेल्थ केयर। ठीक है, इन सारी कंपनी का एक रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस पे एक अच्छा खासा आज मूवमेंट देख सकते हो। ठीक है, आज जो हमारा स्टॉक फोकस में रहना चाहिए गाइस वो स्टॉक है टाटा स्टील। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट डिक्लाइन किया गया, ठीक है, 13% से, और इनका जो मेन एक्सपेंसेस था इनका जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस था उसकी वजह से ही इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। बेसिकली इनका जो रॉ मटेरियल है कुकिंग कोल है और गैस प्राइस है, यूरोप में ये जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा बेसिकली ये हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इनका जो आप देख सकते हो इनपुट कॉस्ट इनका बढ़ा है। ठीक है, तो उसके अलावा गाइज आप देख सकते हो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में आज सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आप एक्सिस बैंक का अगर देखो तो एक्सिस बैंक एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट को दिखाया है, अराउंड 91% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया प्रॉफिट में। ठीक है, और इनका जो मेन रीजन था प्रॉफिट इतना बढ़ने का, इनका जो NPA का जो प्रोविजन है वो इन लोगों ने लोअर किया। ठीक है, बट इनका अदर इनकम जो है गाइज वो डिक्लाइन किया 11% से, और इनका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी डिक्लाइन किया 5% से ईयर ऑन ईयर में। ठीक है, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वो इंक्रीज किया 21%।
लाइसेंस है गाइस। और अगर आप देखोगे तो एक फार्मा कंपनी है जो कि लुपिन, ठीक है, लुपिन को बेसिकली अप्रूवल मिला है USFDA से, और ये इनका एक ड्रग था, ठीक है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एंडा इनका जो बेसिकली ये था ड्रग था, उनको बेसिकली ये मिल गया, अप्रूवल मिल गया है, और ये बहुत जल्द बेसिकली इनका लाइक प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले अपने नागपुर की फैक्ट्री में। तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा लाइक हम लोग आज जिसको पॉजिटिव में देख सकते हैं ड्यू टू ये न्यूज़ की वजह से। और अब टेक महिंद्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं, टेक महिंद्रा का कल रिजल्ट आया जिसमें डिक्लाइन है, ठीक है, उनका जो सिक्वेंशियल बेसिकली आप देख सकते हैं, उनका जो प्रॉफिट है ना उस पर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 24% 25% का डिक्लाइन है गाइस उनका प्रॉफिट में। और क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं है, रेवेन्यू जो इनका ग्रो किया है सिर्फ 4.9% से क्वार्टर टू क्वार्टर, और इनका ईबिटा जो है वो 10% से क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन किया है। इनका डॉलर रेवेन्यू जो था वो लाइक बड़ा है 1.5% से गाइस क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट अपने बेसिकली लास्ट शेयर के बारे में जो कि है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा में क्या हो रहा है गाइस, आप देखोगे सोनाटा का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इन लोग ने लाइक जो अपना प्रॉफिट जो ये किया ईयर ऑन ईयर, इनका प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है वो 24% का ग्रोथ है, रेवेन्यू में इनका 40% का ग्रोथ है। इस चीज़ को लेकर बोर्ड ने अप्रूव किया है बोनस शेयर, ठीक है, तो जिनके पास भी 3 शेयर है ये कंपनी का उनको 1 शेयर बोनस में मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ अभी होल्ड पे है, अप्रूव हो जाएगा शेयर होल्डर जब इसको अप्रूव कर देंगे तब ये अप्रूव हो जाएगा गाइस। तो इस वीडियो में देखते हैं गाइस, और थैंक यू सो मच, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और आने वाले दिनों में मैं डेली ही ऐसे आप लोगों के लिए न्यूज़ लाते रहूँगा, और आप लोगों को एक अच्छा खासा डायरेक्शन पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू।